देवरिया जनपद में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है। छठ घाटों पर बनी बेदियों को रंग बिरंगे रंगों से संवारा जा रहा है। कुछ जगह तो बेदियों को तिरंगे के रंग में रंग कर देश प्रेम को दर्शाया जा रहा है। पूर्वांचल का इलाका होने के कारण छठ पर्व और महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे ही देवरिया जनपद की सीमाएं बिहार से लगती है। लोग घाट पर पूजा की सामग्री खरीदने के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं। घरों में सजावट की जा रही है। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कि फल, फूल और प्रसाद तैयार किए जा रहे हैं। घाटों पर साफ सफाई की जा रही है। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की जा रही है। महिलाएं जमकर खरीददारी कर रही है। वहीं देवरिया प्रशासन ने भी सुरक्षा और सुविधा के लिए आवश्यक इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक देवरिया संकल्प शर्मा ने जिसकी कमान संभाल रखी है। पुलिस बताइए क्या अव्यवस्था उनकी पिछली बार या क्या कमी रह गई पर्व। छठ पर्व शुरू हो गया है। दिवाली के बाद सारी महिलाएं अपने अपने स्तर से तैयारी करके छठ माता का पूजा करने के लिए सारी व्यवस्थाएं कर चुकी हैं। आज छठ का पहला दिन है। ये दो दिन पर्व मनाया जाता है। महिलाएं दो दिन व्रत रहती हैं। आज व्रत रहेंगी, कल व्रत रहेंगी, कल शाम को जाएंगी छठ घाट और घर आके कोसी ओसी भरेंगी, फिर सुबह में सूर्य देवता का अर्घ दे के जल से उनको प्रसन्न करेंगे। यह छठ का त्योहार पुत्र के लिए व्रत किया जाता है। इसमें शासन प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किया गया है। जहां अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित किया गया है और शासन प्रशासन पुलिस की व्यवस्था करके एकदम किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटने की कोई चूक न रह जाए, इसके लिए सारी व्यवस्था की गई है। ये छठ की तैयारियों के संबंध में हमारे घाटों पे सभी तैयारियां चल रही हैं। सभी हमारे घाटों पे साफ सफाई की व्यवस्था एवं सभी अन्य व्यवस्थाओं की को देखने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम और कप्तान साहब जो है सभी घाटों पर जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम रुद्रपुर पे अभी घाट देख रहे हैं। बहुत अच्छी तैयारियां यहाँ चल रही है। मुझे उम्मीद है कि सभी छठ के जितने भी लोग हैं उनको कोई भी यहाँ पे समस्या नहीं होगी।